फिजा, घर के काम करने से ना बंदा मर नहीं जाता। वो तो ठीक है, पर मैं रिस्क भी क्यों लूं? तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं दुआ हयात। हेलो गाइस, मैं हूं खुशी। आज हम रिएक्शन करने वाले फिजा एंड मुनीब की फनी टिकटॉक वीडियोस पर, जो कि आप लोगों की रिक्वेस्ट है। तो बगैर टाइम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरी अच्छी वॉइस है इनकी। मुझे लगता है कि बातें दिल की होते, लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो बहुत ही प्यारा गा रही है। या ना हो क्या फर्क है, पता नहीं था सिंगिंग भी करती है। अब पता चल गया, जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। वाओ मुनीब, टिशू ना खाना, फीके हैं। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से। ये रियल में भी कपिल हैं। इतना प्यारा कैसे हो सकता है, बहुत प्यारा मंजर है और बहुत प्यारे लग रहे दोनों साथ। तुझसे जब मिलकर भी उदासी कम नहीं, नजर ना लगे इनको, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता। आप अंदर आके लगा ले, अंदर शीशा है। आप कंफर्टेबल जी? जी आज 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 चल उतर। यार आओ बैठो। हाँ आए हैं। ये ले भाई, मैंने आप लोगों के लिए चिकन का सालन बनाया है। इसकी क्या जरूरत थी भाभी? नहीं नहीं, मेरे पास 10 मुर्गी है, मैं समझूंगी एक मुर्गी को कुत्ता खा गया। बाजी, ओ बाजी, रक्षा आया। किंदा रिश्ता है? तुहाडे प्यो दा रिश्ता आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए था आपका। जी जी। अच्छा, मैंने सुना जो लोग फेमस हो जाते हैं उनमें बड़ा एटीट्यूड आ जाता है। तो फिर तुम्हें बालों के नहीं दिमाग के ट्रीटमेंट की जरूरत है। सही कहा है, अगर दिमाग का ट्रीटमेंट हुआ होता तो आपसे शादी तो ना होती मेरी। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा। वाह, इतना अच्छा लग रहा है। यार मेरा हर एक से वफा करता है। मुनीब, बच्चे से उसकी पसंद तो पूछे। यार तुम पूछ लो, मैं बात कर रहा हूं। पुत्तर, तेनू कोई कुड़ी पसंद है? अम्मी जी, मनु तो कोई कुड़ी पसंद नहीं। बारह लब्बा जी कल डिस्कस कर रहे थे ना, उन्हें कुड़ी बहुत पसंद है। वाह फिजा, आजकल कौन सी चक्की का आटा खा रही हो? मैं बताऊं? आपको पता है मैं यूसुफ चक्की आटा खा रही हूँ, और ये आटा खालिस गंदम का बना हुआ है मुनीब। और घर बैठे हुए ग्रोसरी ऐप से भी मंगवा सकते हैं आप। वैसे आप पूछ क्यों रहे थे? तुम मोटी इतनी हो गई हो ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। यार फिजा उठो, बर्तन धो दो यार आके। मैंने नहीं धोने। फिजा, घर के काम करने से ना बंदा मर नहीं जाता। वो तो ठीक है, पर मैं रिस्क भी क्यों लूं? यार मुनीब, परेशान क्यों है? यार 24 को फिजा की बर्थडे है, मैं सोच रहा हूँ उसे ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो सीधा उसके जाके दिल पे लगे। तो उन्हें गोली मार दो। मुझे लग ही रहा था आप लोग
लोगों को पता है जब मैं पैदा हुई थी मैं बहुत क्यूट थी। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं बहुत अमीर था। जब मैं पैदा हुआ मैं तो नंगा था। ये सही बात है। म्यूजिक के साथ होता तो बिल्कुल सिंगर की तरह ही लगता। बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया और उनकी फनी वीडियोस भी काफी फनी थी। बहुत कम थी लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियोस थी और बिल्कुल सही सही बातें थी। हाँ सही बात, दिल पे लग रही थी। और जो खाने गोली वाली थी जो दिल पे गोली मार दो, हाँ वो मुझे लग ही रहा था यही बोलने वाला है। न्यू है शायद इसलिए कम थी, मुझे लग रहा था कि मैं और भी देखूं लेकिन जल्दी वीडियो खत्म हो गई। लेकिन बहुत अच्छी लगी हमें वीडियोस गाइस। तो आप बताइएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।